नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल इंडियन आर्मी जी के गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं करेंट अफेयर का ये छठा वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में लगभग 20 क्वेश्चन है जो कि जून मंथ का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखें। एक बात और दोस्तों, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे जो रेड का बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं वो आप आसानी से देख सकें। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू किया जाए। तो आज का पहला सवाल है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए सूर्य शक्ति योजना की घोषणा की है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए सूर्य शक्ति योजना की घोषणा की है या शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इधर हाल ही में किसानों के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम दिया है सूर्य शक्ति योजना। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने किस देश के साथ तिब्बत को जोड़ने के लिए रेलवे लाइन का निर्माण कर रहा है? चीन किस देश के साथ तिब्बत को जोड़ने के लिए रेलवे लाइन का निर्माण कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल। दोस्तों, नेपाल और तिब्बत को जोड़ने के लिए चीन ने रेलवे लाइन का निर्माण कर रहा है और इसी रेलवे लाइन के जरिए चीन और तिब्बत जुड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने स्पोर्ट्स पर्सनल ऑफ द ईयर खिताब जीता है, ये किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा ने स्पोर्ट्स पर्सनल ऑफ द ईयर खिताब जीता, ये किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाला फेंक। नीरज चोपड़ा, यदि एग्जाम में पूछा जाए कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है तो भाला फेंक से है और इसे जेवेलियन थ्रो भी कहते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है, नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। अगला सवाल है, विश्व योग दिवस 2018 का थीम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, विश्व योग दिवस 2018 का थीम क्या था? तो दोस्तों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन। नन, तो नन यहाँ यानी कि चार ऑप्शन है, चार में से तीन में जो आंसर दिया गया है वो तीनों में से कोई नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा नन। और इसका सही आंसर होगा योग फॉर पीस, योग फॉर पीस यानी कि शांति के लिए योग। और विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो योग दिवस मनाया गया था इसका थीम क्या था? तो शांति के लिए योग या योग फॉर पीस, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शहर 100वें स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है? निम्नलिखित में कौन सा शहर 100वें स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिलोंग। शिलोंग को 100वें स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? 2018 में चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों, यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसुंधरा राजे सिंधिया को। वसुंधरा राजे सिंधिया जो है ये राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं और इन्हें 2018 में चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किस राज्य की सरकार ने स्काई योजना शुरू की है? सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किस राज्य की सरकार ने स्काई योजना शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। दोस्तों, गुजरात की सरकार ने इधर हाल ही में सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम दिया है स्काई योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के बाद किस संत की मूर्ति लंदन के मैडम तुषार संग्रहालय में लगाया जाएगा? स्वामी विवेकानंद के बाद किस संत की मूर्ति लंदन के मैडम तुषार संग्रहालय में लगाया जाएगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबा रामदेव। दोस्तों, बाबा रामदेव के मूर्ति जो है वो मैडम लंदन में जो स्थित है मैडम तुषार संग्रहालय उसमें लगाया जाएगा। तो और ये जो है बाबा रामदेव ये दूसरे संत होंगे जिनका मूर्ति मैडम तुषार संग्रहालय में लगाया जाएगा और प्रथम संत थे स्वामी विवेकानंद जिनका मूर्ति लंदन के मैडम तुषार संग्रहालय में लगाया गया था। अगला सवाल है, किस शहर को सबसे स्मार्ट शहर पुरस्कार के लिए चुना गया है? किस शहर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सूरत। सूरत को इधर हाल ही में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर पुरस्कार के लिए चुना गया है और सूरत जो है ये किस राज्य में है? तो गुजरात में, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना शुरू की है? किस राज्य की सरकार ने 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा। दोस्तों हरियाणा की सरकार मनोहर लाल खट्टर ने इधर कुछ दिन पहले अपने राज्य में 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की है। अगला सवाल है, पुदुचेरी की पहली महिला डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पुदुचेरी की पहली महिला डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस सुंदरी नंदा। दोस्तों एस सुंदरी नंदा जो है ये प्रथम महिला है जो कि पौंडीचेरी जिसका नाम बदलकर पुदुचेरी कर दिया है। तो पुदुचेरी के प्रथम महिला डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है एस सुंदरी नंदा। और वर्तमान में पूछा जाए कि पुदुचेरी के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? तो आंसर हो जाएगा किरण बेदी। दोस्तों किरण बेदी जो है वो पुदुचेरी का उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, पुदुचेरी की पहली महिला डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा एस सुंदरी नंदा, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, किस कंपनी ने UPI आधारित भुगतान सेवा शुरू की है? किस कंपनी ने UPI आधारित भुगतान सेवा शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्हाट्सअप। दोस्तों व्हाट्सअप इधर कुछ दिन पहले ही UPI आधारित भुगतान सेवा शुरू की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटर तैयब मेहता की पेंटिंग काली कितने करोड़ रुपये में बिकी है? पेंटर तैयब मेहता की पेंटिंग काली, जिसका नाम काली है, वह कितने करोड़ रुपये में बिकी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26.4 करोड़ रुपये। ऑप्शन डी सही आंसर है, 26.4 करोड़ रुपये। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। दोस्तों गुजरात जो है ये नीति आयोग समग्र जल प्रबंधन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि एग्जाम में पूछा जाए कि नीति आयोग जो समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जारी किया है उसमें भारत के किस राज्य कौन सा राज्य है जो कि शीर्ष स्थान पर रहा, तो गुजरात, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 जून को। दोस्तों 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सी महिला खिलाड़ी इंग्लैंड में सुपर लीग खेलने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी? भारत के कौन से महिला खिलाड़ी इंग्लैंड में सुपर लीग लिखा गया है, थोड़ा माफ़ कीजिएगा, खेलने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मृति मंधाना। दोस्तों स्मृति मंधाना जो है ये प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी है जो कि इंग्लैंड में सुपर लीग खेलने वाली पहली महिला बनी है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा फुटबॉल विश्व कप का आगाज किस देश में हुआ? हाल ही में फीफा फुटबॉल विश्व कप का आगाज किस देश में हुआ, या इधर हाल ही में फीफा फुटबॉल विश्व कप का शुरुआत किस देश में हुआ? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस में। दोस्तों रूस में 2018 का फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, तो आप इस पे ध्यान देंगे क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस स्थान पर राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव पारित हुआ है? भारत के किस स्थान पर या किस स्थान पर राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। दोस्तों नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव पारित हुआ है, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस प्रोजेक्ट के तहत चार मीनार को किस कंपनी ने अपनाया है? महा VVI क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जामों के लिए मोस्ट VVI है। क्वेश्चन है, स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस प्रोजेक्ट के तहत चार मीनार को किस कंपनी ने अपनाया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NTPC। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये जो है ये स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस प्रोजेक्ट के तहत चार मीनार को अपनाया है। ध्यान दीजिएगा, महा VVI क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें
और यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना मत भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।